हाय, सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स की फॉर्मूला। ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन स्वयं। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो के एंड में थोड़ा सा मैं अलग लेवल पर जाऊंगा, बिकॉज रोटेशनल मोशन की जो फॉर्मूलाज हैं लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अलग अलग शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए थोड़ा अलग मेंटल माइंडसेट चाहिए। तो वीडियो दो पेस में रहेगा, पहला UCM फुल रोटेशनल मोशन हाफ एंड देन हम करेंगे एंडिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सारी फॉर्मूलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, फिजिक्स का लॉजिक यही है, आप कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पीछे आपने जहां पर छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो क्लास 9-10 में आपने पढ़ा था लीनियर मोशन, वहीं से कंपेयर करके हमें करना है सर्कुलर मोशन। इवन रोटेशनल मोशन भी ऐसे ही नहीं पढ़ना है, लीनियर मोशन से कंपेयर कर करके पढ़ना है। सो लीनियर मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, सो दैट्स इट। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई वो हो जाती है एस, तो दैट इज एस। सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट एक गार्डन में घूम रहा है तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एंगल। कोई पूछे कैसे, क्या प्रूफ है? मैं आपको सिंपली कहता हूं कि मैं 180 डिग्री ट्रेवल किया, डायरेक्ट समझ जाओगे आप, यहां से चालू किया वहां तक पहुंच गए, मतलब पूरा ट्विस्ट यहां तक पहुंच गए समझ गए आप, ठीक है? मैं कहा टीटा 90 डिग्री ट्रेवल किया, आप समझ गए यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया है, ठीक है? सो जो काम एस करता था लीनियर में वो काम करेगा टीटा हमारा सर्कुलर मोशन में। सो दिस इज माय लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो वही है चीजें, सब सिर्फ एंगल एंगल के फॉर्म में आ गया। तो टीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है हमारी बेसिक तीन फॉर्मूला। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस फेमस हैं, आपने पढ़ी है लीनियर मोशन के लिए। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट, t होता है टाइम। क्या समय बदल सकता है? नहीं बदल सकता, तो t यहाँ पर भी टाइम ही रहेगा। s लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। a लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो यहाँ पर ओमेगा ही है, तो अगर इनिशियल चाहिए तो ओमेगा के आगे जीरो लगा दो और फाइनल चाहिए तो सिर्फ ओमेगा रहने दो। तो इसी तरीके से जस्ट कॉन्सेप्ट नहीं सिंबल्स चेंज करके हम तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। फास्ट जा रहा हूँ मैं, एग्री करता हूँ बिकॉज दिस इज रिवीजन। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर क्वांटिटीज। मुझे नहीं पता है आपने इस वे में कभी सोचा है या नहीं, बट जो लीनियर क्वांटिटीज हैं और सर्कुलर क्वांटिटीज, तीनों के दोनों के बीच में रिलेशन है और रिलेशन भी एकदम मतलब अच्छा है, मतलब लग रहा है कि हाँ फिजिक्स सच में कुछ है। ओके, मतलब ऐसे फील आ रहा है कि कुछ तो है जो अब तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, टीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं विद द रेडियस। वी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, फिर से दोनों को रिलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडियस। ए एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगेन हम रिलेट कर सकते हैं विद द रेडियस। तो देखो कितना बेसिक एंड स्वीट रिलेशन है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, और तीनों में एकदम सेम भी आ रहा है। ओके, इसके रीजंस भी हैं बट वो काफ़ी डिटेल्ड हैं। फाइन, सो ये है रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द सर्कुलर बेसिक काइनेमेटिक क्वांटिटीज। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपको पता हो सर्कल में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स होता है, फोर्स खुद होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स एग्जिस्ट करता है तो कोई एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगी, उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन है इसका आज हम नहीं करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करनी है। सो डेरिवेशन है ए इज इक्वल्स टू डी वी स्क्वायर बाय आर, मतलब उसकी रिजल्ट है वी स्क्वायर बाय आर। अभी देखा वी इज इक्वल्स टू डी है आर ओमेगा, सब्सटीट्यूट करो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बचेगा, नीचे आर है, आर और आर कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर आर। सो बेसिकली एक्सेलरेशन की कितनी फॉर्मूलाज हैं? दो फॉर्मूलाज। मास के साथ अगर मैं मास के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन विच इज सेंट्रिपिटल। उसी तरीके से अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करें तो एक एक्सेलरेशन होता है विच इज सेंट्रीफ्यूगल। मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो जो फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं
सब सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी लागू है, बट अगर आपको डायरेक्शन से डील करना है तो सेंट्रीफ्यूगल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, सेंट्रीपिटल इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। बट नेगेटिव पॉजिटिव आप यूज रेयरली करोगे, रेयरली, यूजुअली हम मैग्नीट्यूड से ही डील करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस ऐसा फिक्स नहीं है कि सेंट्रीपिटल है तो माइनस ही होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आप कभी भी ट्विस्ट कर सकते हो, बुक में हाल फिलहाल ऐसा गिवन है। बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करेंगे व्हीकल्स के बारे में, थोड़ा और डिटेल जाएंगे। तो अगर समझो एक व्हीकल है जो एक सीधा रोड है बट सर्कुलर है, बट फिर भी सीधा है, मतलब चपटा सर्कुलर है, ठीक है, अगर वहां से व्हीकल एक क्रॉस हो रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे वो स्लिप नहीं हो, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूटेड नॉट बाय मी, बट फिर भी मेरे इनिशियल्स हैं इसमें आर जी, ओके। सो अच्छा लगता है कहने में, वी मैक्स इज इक्वल्स टू डी म्यू आर जी, ओके। म्यू क्या है, म्यू है यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है। समझो मैंने एक हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट उठाया कि मैं इस हाईवे की स्पीड लिमिट आप लोगों को सेट करके दूंगा, और मैंने कंसिडर किया कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू, रेडियस रोड का, ग्रेविटी सेम है, तो मैंने वहाँ पर सब जगह मीटर्स लगा दिए कि इस सेक्शन में स्पीड 30 होनी चाहिए, इसमें 50 होनी चाहिए, बट ये फॉर्मूला से मैं ज़्यादा सक्सेस नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज म्यू इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टायर, टायर डिपेंड्स ऑन द गाड़ी कितने साल पुरानी है। समझो मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू ली ऑन द बेसिस ऑफ न्यू मॉडल ऑफ कार्स एंड एक्टिवास, बट हाईवे पे तो कोई भी चला आता है, तो फ्रिक्शन को कंसिडर करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इस वजह से हम जो रोड सीधा था उसको हम कर देते हैं टिल्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग में क्या होता है, आरजी वैसा ही रहता है, सिर्फ फ्रिक्शन की जगह क्या आ जाता है, टेन ऑफ टीटा आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। बढ़ते हैं आगे, बता देता हूँ पहले ये बैंक्ड रोड, ठीक है, प्रॉब्लम किससे थी, म्यू से थी। म्यू से प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं यार, एक लिमिट तक हम स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, बट फेलियर रेट ज़्यादा है, क्योंकि हाईवे है, कोई भी आ जाएगा अपना टायर लेके, किसका टायर जूना, किसका घिसा हुआ, किसका एकदम न्यू, तो हम रिप्लेस करते हैं इसको टीटा से, तो ये हमारा हो जाता है आर जी टेन ऑफ टीटा। अगेन इसके लिए आपको डेरिवेशन है पूरी, ओके। सो वी एस इज इक्वल्स टू दी आर जी टेन ऑफ टीटा। अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन टीटा फाइंड करना है, सो स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन को, तो आपको मिल जाएगा टेन ऑफ टीटा इज इक्वल टू दी वी एस स्क्वायर अपॉन आर जी, सो टीटा इज इक्वल टू दी टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वॉल ऑफ डेथ, डेथ लिखना नहीं अच्छा लग रहा था, ऐसे मतलब पनौती फील आ रहा था, टू बी वेरी हॉनेस्ट, क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे है और ये सब नहीं परवड़ रहा था, तो आप समझ जाओगे, ठीक है, वही जो कुआं होता है। सो वहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी मैटर करती है, नॉट मैक्सिमम। यहाँ पर अगर आप देखो, हमने मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की, बट यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी मैटर करती है, बिकॉज जब हम इस स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, तो स्टंट्स परफॉर्म हम शोबाजी एकदम करते हैं कि गाड़ी एकदम चला के हाथ छोड़ के, आपने गांव में देखा होगा वो लोग ऐसे मुंह से नोट पकड़ते हैं वहाँ पर गोल घूमते घूमते, हाथों से नोट पकड़ते हैं, ठीक है, गोल घूमते घूमते। तो बेसिकली एक मिनिमम स्पीड तो होनी चाहिए उनके पास, कि उतने स्पीड से काटा कम नहीं हो, काटा कम हुआ मतलब गिर जाओगे। मैक्सिमम तो देखो सब राइडर्स की खुद की पर्सनल चॉइस है कि मैक्सिमम वो कितना चला सकते हैं, क्योंकि वो लोग स्टंट्स कर रहे हैं, ठीक है। हाईवे पे अलग बात थी, हाईवे पे तो प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पर तो बस अपना उनको करना है और शो पूरा करना है, कितनी भी स्पीड रखें, बट एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। तो ये दिस इज आर जी अपॉन मी म्यू एस। तो इसमें बस यही फॉर्मूला है, टेन ऑफ टीटा नहीं है, बिकॉज ये लोग ऐसा घूमते हैं, और फर्दर मोर यहाँ पर कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बस पर्सनल मर्जी है, मेले में उनको मेला लगा के पैसे कमाने हैं, सो यही एक फॉर्मूला उनके लिए रखी है हमने। हाँ, तो अब उसके बाद और दो फॉर्मूलाज आ जाती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बहुत रेयर चांसेस हैं इनके कुछ भी आने के, ठीक है, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। याद कैसे करना है, तो याद रखना है टेम्पलेट, किससे सीख रहे हो ये, मुझसे, तो पहले पहले मेरा नाम आर जी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ टेन ऑफ टीटा, यहाँ टेन ऑफ टीटा, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन, तो अभी क्या हर चीज़ आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, तो ये ऊपर लिखा तो उसी के नीचे ये लिखो और यहाँ पर डाल दो 1, दिस इज द टेम्पलेट, आपको याद रखना है। अभी कोई चीज़ मिनिमम कब होगी, देखो न्यूमरेटर क्या करता है, न्यूमरेटर समझो ये x है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अगर किसी चीज़ का ज़्यादा तो x भी ज़्यादा, बट डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर उल्टा काम करता है, किसी चीज़ का डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो क्वांटिटी खुद कम हो जाती है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, ओ v क्या चाहिए, मिनिमम, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम, देयरफॉर माइनस की साइन,
वी मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब बड़ा, तो यानी कि नीचे प्लस की साइन, तो ये हो गया आपकी मिनिमम की फॉर्मूला। मैक्सिमम की बात, ये पेन क्या रिफ्लेक्ट होके आ गई, वाओ अच्छा फीचर है रिफ्लेक्ट होके वो वापस आ गई पेन की निब वाओ ठीक है अच्छा। वी मैक्स, मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, न्यूमरेटर मैक्सिमम, तो न्यूमरेटर प्लस, नीचे वाला चाहिए मिनिमम क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो नीचे माइनस की साइन। बट ज़्यादा यूज की नहीं है ये फॉर्मूलाज, मोस्ट यूज फॉर्मूला यही है v इज इक्वल्स टू डी म्यू आर जी टेन थीटा और म्यू आर जी सिंपल, v इज इक्वल्स टू डी आर जी टेन थीटा या फिर म्यू आर जी। सिंपल पेंडुलम की आपको फॉर्मूला पता होगी, t इज इक्वल्स टू डी टू पाई रूट ऑफ एल जी, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ऑसिलेट करता था। बट जो कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम पूरा ऑसिलेट करता है ऐसे पूरा, टीटा यहाँ पर एंगल भी एक ट्रेस होता है, ओके सो बिकॉज एंगल भी है तो यहाँ पर जस्ट कॉस ऑफ टीटा का भी टर्म आ जाता है, नथिंग एल्स। फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करनी है सो वन अपॉन टाइम पीरियड, ओके। फाइनली वेलोसिटीज एंड टेंशन, जो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है माइनस जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन है वो हो जाता है 6 टाइम्स ऑफ एम जी के बराबर, ठीक है। इसका पूरा डेरिवेशन भी है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, 30% स्टूडेंट्स तो याद लास्ट तक नहीं कर पाते हैं कि नीचे रूट ऑफ फाई आर जी है कि ऊपर रूट ऑफ फाई आर जी है। एग्जाम पेपर चेक करते वक्त मुझे मैक्सिमम टाइम यहाँ पर फाई आर जी मिलता है, कभी यहाँ मिलता है, मूड के ऊपर है। समझो आगे वाले ने रूट ऑफ फाई आर जी इधर किया है तो वो पूरा रो वही हो जाता है, ओके। सो इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए एक सेपरेट मेथड है। सो एक बात हमें हमेशा याद होनी चाहिए, हमें फ्लाई तो करना है, आसमान में तो उड़ना है, बट ज़मीन नहीं छोड़नी है, ठीक है। ज़मीन पे पाँव होने चाहिए और तब आसमान उड़ें तो अच्छी बात है, उड़ें इन द सेंस तब आसमान टच करें वो अच्छी बात है, बाकी अगर ज़मीन भी छोड़ दी और उड़ें तो फिर जब गिरेंगे तो चोट ज़्यादा लगती है। इसका मतलब, ये ज्ञान अचानक से साइकोलॉजी फिलोसॉफी क्यों लेकर आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बी हम्बल, ठीक है, बी हम्बल, हम्बल रहो एकदम, ठीक है। जैसे ग्रास रहती है एकदम, आप कितना भी उसके ऊपर पांव रखो वापस वैसी हो जाती है, एकदम हम्बल, सेवा भाव। और ये कब होगा, जब आप ग्राउंडेड रहेंगे, जब आप ज़िंदगी से कनेक्टेड रहेंगे, जब आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, जब आप पृथ्वी को ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे। सो ये कौन कह रहा है आपसे, ये आपसे आरजी कह रहा है, आरजी कह रहा है कि बी ग्राउंडेड, बी हम्बल, ओके। सो अगर हम ग्राउंडेड रहेंगे तो नीचे हमारी जो फिजिक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, सो दैट मीन्स रूट ऑफ आई आर जी नीचे है और रूट ऑफ आर जी ऊपर है, ठीक है। ग्राउंडेड रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, लाइफ एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहना है, तो बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस स्ट्रांग है तो मतलब जो नीचे की वैल्यू है वो क्या रहेगी, रूट ऑफ आई आर जी, ठीक है। तो फाइनली आपको समझ गया नीचे क्या होना चाहिए, नीचे हम्बल, हम्बल मतलब डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मतलब, डाउन टू अर्थ मतलब नीचे वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये मेरा वे है, मैंने इसे याद किया है, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट नहीं है कि सबको यही याद करना है। पर्सनली मुझे आरजी टच ज़्यादा लगा तो मुझे वो याद ही हो गया है, बट दूसरों को याद नहीं होता है तो दूसरे मुझे याद कर सकते हैं, मुझे याद है तो दूसरों को भी याद हो जाएगा। सो ऊपर होती है वेलोसिटी रूट आरजी, नीचे डाउन टू अर्थ है हम लोग, सो नीचे की वेलोसिटी होगी रूट ऑफ फाइव आरजी, ठीक है, और बीच में 3rg। सो इसी तरीके से सर्कुलर मोशन की सारी फॉर्मूलाज का डिस्कशन एंड रिवीजन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विथ रोटेशनल डायनामिक्स, यानी कि रोटेशनल मोशन। जैसे हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा लीनियर मोशन से कंपेयर करके, सेम वे में हम रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे लीनियर मोशन से कंपेयर करके। लीनियर मोशन में क्या होता है, जस्ट हम कंसिडर करते हैं एक कोई पॉइंट मास है जो कुछ मूव हो रहा है, ठीक है, तो बस उसका मास ही मैटर करता है, हम कुछ कंसिडर ही नहीं करते हैं कि वो मास उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, किसी का पेट ज़्यादा बाहर है तो पेट में उसका ज़्यादा मास बाहर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, बट वो सब हम लीनियर मोशन में नहीं देखते थे। रोटेशनल मोशन में वही सब तो देखना है, वही सब देखना है। सो जैसे हम कोई भी शेप्स लेते हैं, सर्फेसिस लेते हैं, ओके, सो जो काम हमारा मास करता था लीनियर मोशन में, ठीक है, वही काम हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा रोटेशनल मोशन। ओके, यहाँ पर मैं डेफिनेशंस और वो सब डिस्कस नहीं करूँगा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्विवेलेंट है या किससे सिमिलर है या फंक्शनिंग किससे सिमिलर है, जो काम मास करता था लीनियर मोशन में। एग्जांपल तौर पे ये दरवाज़ा है, ये यहाँ पर आप दरवाजे को पुश करो तो वो ईजीली खुल जाएगा, बट यहाँ पर आप दरवाजे को पुश करो तो वो ईजीली
नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ से जो समझो ये एक्सिस है, तो यहाँ से जो एक्सिस से इसका डिस्टेंस है और ये एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो वेरी करते हैं, तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास तो आता है बट साथ में डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस भी हम कंसिडर करते हैं। ओके सो फिर अब आप बोलोगे कैसे यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं बाय द फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। अभी समझो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं तीन पॉइंट कंसिडर करता हूँ, सो ये आई इज इक्वल्स टू दी वन, ये हो गई आई इज इक्वल टू दी टू, ये हो गई आई इज इक्वल टू दी थ्री। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वायर, सो दैट इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है सो दैट्स इट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही है, मीनिंग क्या है मास के इक्विवेलेंट है अगर हम लीनियर मोशन से कंपेयर करें तो। तो उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलता है जिसमें कोई भी नई बात नहीं है, हाफ हाफ ही है, मास के जगह क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कब से बोल रहा हूँ, वेलोसिटी वहाँ पर थी लीनियर, यहाँ पर है एंगुलर। एंगुलर क्यों, क्योंकि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो देखो ज़मीन पे एक एंगल ट्रेस होता है, जब आप दरवाज़ा ओपन करते हैं ज़मीन पे एंगल ट्रेस होता है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोई बोले सर डेरिवेशन, सिंपली वी के जगह पुट करो आर ओमेगा, दैट्स इट, दिस क्वांटिटी इज आई। ओके थ्योरम्स, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर शेप है और मुझे समझो उसके सेंटर ऑफ मास से पता है क्या है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मुझे उसी के किसी मतलब पॉइंट जो कि पैरेलल है एक्सिस, वहाँ पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे कि ये समझो है आई जीरो मुझे यहाँ फाइंड करना है, दिस इज़ माई आई सी, सो आई सी मुझे पता है, मास मुझे पता है, ये जो डिस्टेंस है वो है h, तो h का स्क्वायर कंसिडर करूंगा तो मुझे I0 के अक्रॉस जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अभी परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब अभी समझो ये मेरी एक रिंग है, ठीक है रिंग के जो सेंटर ऑफ मास से, अभी ये समझो रिंग है, रिंग के जो सेंटर ऑफ मास यानी कि ये एक्सिस, ठीक है ये एक्सिस से जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मुझे पता है, ठीक है तो समझो ये है आई जेड, समझ रहे हो बात को, ये है समझो आई जेड मुझे पता है, मुझे फाइंड करना है डायामीटर के अक्रॉस, तो डायामीटर कहाँ होगा, डायामीटर अगर सर्कल यहाँ था तो डायामीटर भी ऐसे सोया हुआ रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर, तो मुझे आई जेड पता है, आई एक्स और आई वाई सेम रहेंगे बिकॉज दोनों डायामीटर हैं, तो बेसिकली आई जेड की मदद से मैं डायामीटर का भी फाइंड कर सकता हूँ, या फिर इनवर्स डायामीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई एक्स का पता है, आई वाई का पता है, तो आई जेड का भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये हैं दो इम्पॉर्टेंट थियरम्स, इनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर मोमेंटम, ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था बेसिक्स में, यहाँ पर हमें अगेन आई ओमेगा से कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ पर रोटेशनल में ओमेगा और आई का जो मल्टीप्लिकेशन है वही होता है हमारा लीनियर, नॉट लीनियर एंगुलर मोमेंटम, कुछ नया नहीं है इसमें। अगर हम p इज इक्वल्स टू डी एम वी देखें जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, तो m किसके बराबर है, आई के बराबर, थक गया हूँ बोल बोल के, वी किसके बराबर है यहाँ, ओमेगा के बराबर, अभी अभी एग्जांपल दिए, तो कुछ नया नहीं है, वही फिजिक्स है। बात करें टॉर्क की, व्हाट इज अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू द आई अल्फा फॉर्मूला है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थक गया हूँ बोल बोल के, क्या है मास के इक्विवेलेंट, तो मास और एक्सेलरेशन मतलब क्या है, फोर्स, सो टॉर्क इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ये इसका फिजिक्स की मीनिंग है, एंड डी एल बाई डी टी या फिर टॉक इज जीरो, दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा बिफोर स्टार्टिंग विद द शेप्स एंड स्ट्रक्चर, ये है समझो मेरा सरफेस, यहाँ से समझो कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, सीधा नहीं गिर रहा है, ठीक है स्लाइड नहीं हो रहा है, रोल हो रहा है, रोल, तो रोलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो जो उसमें फॉर्मूलाज आती हैं वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अगर मैं इसको वन से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कुछ ऐसी फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगी, राइट। सो बेसिकली पहले यही होता था सिर्फ हाफ एम स्क्वायर, बट अभी एक पार्ट एक्सटेंड भी हो रहा है, तो यहाँ से ये पार्ट तीन बार एक्सटेंड होगा, तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि गामा इज इक्वल्स टू दी वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के है रेडियस ऑफ गायरेशन एंड आर है सिंपल रेडियस, तो सिंपली व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, इट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी टाइम्स गामा। ओके ऐसे आप याद कर सकते हो। उसी तरीके से वेलोसिटी अगर उसी पार्टिकल की चाहिए, तो आपने अगर फ्लूइड डायनामिक्स की मेरी वीडियो देखी हो तो वहां पर भी देखो हमने सेम टर्म निकाला था रूट ऑफ टू जी एच,
एक्चुअली वो वीडियो बाद में अपलोड होगी, तो देख लेना। तो बेसिकली ये भी वही है, वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh टाइम्स ऑफ गामा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा डिवाइड में गामा। ओके, सो ये भी कुछ टर्म्स हैं। तो इसी तरीके से रोटेशनल मोशन की भी जो बेसिक फॉर्मूला थी वो हमारी ख़त्म होती है। अब थोड़ा सा अलग सीरियसनेस लेवल पे जाना है, टू स्टडी ऑल द शेप्स ऑफ द फिजिक्स। सो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ से। तो अलग लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम थिन रिंग। वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थिन रिंग? थिन रिंग का मतलब विथ होती नहीं है, ठीक है, विथ ही नहीं है, मतलब उसकी चौड़ाई है ही नहीं, इतनी ज़्यादा पतली है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम सेंट्रल एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, सो हमें आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही मिलता है, ठीक है। आसान सी बात है, सब मास कॉन्सेंट्रेटेड है साइड्स पे, बीच से अगर आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे तो वही मिलेगा ना जो फॉर्मूला थी आपकी, राइट, ओरिजिनल जो डेफिनेशन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। थिन रिंग के अक्रॉस क्या मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर अगर हम सेंट्रल एक्सिस से पास करें तो। उसके बाद जो सेकेंड फॉर्मूला आती है वो आती है थिन हॉलो सिलेंडर की, जो बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इक्वल है एम आर स्क्वायर के, बट यहाँ पर एक लूप है। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि वो एम आर स्क्वायर ही है, बट फिर फंस जाते हैं वो। अगर आपको सिलेंडर के केस में फाइंड करना है, सी सिलेंडर और रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं कैसे, अगर ये मेरी रिंग है तो नीचे भी अगर मैं एक रिंग बना दूं और इनको जस्ट मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो वो सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगी। वाई? बिकॉज अगर एक रिंग में मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से सिचुएटेड हैं सेंटर से, तो सेम लॉजिक सिलेंडर में भी अप्लाई होगा, राइट। हाँ, एक्सटेंशन होगा बट वो अलग बात है। वो एक्सटेंशन में भी देखो हर जगह रिंग ही बनेगी काट साट की अगर आप देखोगे तो। वॉट इज सिलेंडर? अगर आप ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाते जाओ तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या देखना पड़ता है, किस वे में पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो सिलेंडर और रिंग का वे काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सी अप्लाई होगी? यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगी आई इज इक्वल टू दी हाफ एम आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। मतलब अभी है थिन बट आप स्टडी फुल के लिए करो तो थिन फिर आसान लगेगा, ठीक है। तो अभी समझो एक मेरे पास मटेरियल है जिसकी कुछ विथ है, तो अगर उसके पास कुछ विथ है तो मैं सेंटर से दो रेडियस देख सकता हूँ, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, तो विच इज आर वन और आर टू। बट अगर वो थिन है तो थिन का मतलब क्या होगा? समझो आर वन है 4 सेंटीमीटर और आर टू है समझो 4.01 सेंटीमीटर, तो देखो आर वन और आर टू अप्रोक्सीमेटली हो गए यहाँ पर सेम। तो बिकॉज वो सेम हो गए तो दोनों को मैं लिख सकता हूँ आर के बराबर। सो ये दोनों हो जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर 2R का स्क्वायर, एक्चुअली तो ये भी R स्क्वायर है, ये भी R स्क्वायर है, सो 2 कैंसिल, तो मुझे मिलता है MR स्क्वायर। तो बेसिकली थिन रिंग हो या फिर हमारा थिन सिलेंडर हो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है MR स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला ये आपको पता होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं उसी थिन रिंग की, अभी समझो मुझे डायामीटर के अक्रॉस फाइंड करना है। तो समझो ये मेरे पास रिंग थी, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से मुझे पता चल गया, जो सीधी एक्सिस पास हो रही है वहां से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो समझो पॉइंट बनाता हूं मैं, पॉइंट मतलब समझो एक एक्सिस यहां से बाहर आ रही है, ठीक है, समझो ये मेरा सर्कल है, ये एक पॉइंट है, यानी कि समझो पॉइंट मतलब ऐसे एक्सिस बाहर आ रही है दिस वे, ठीक है। अब मुझे यहां पर पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, अब मुझे डायामीटर के अक्रॉस फाइंड करना है। तो डायामीटर के अक्रॉस फाइंड करने के लिए क्या समझ में आ रहा है, जो सेंट्रल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है एक्स और वाई एक्सिस को, तो यहाँ पर लगा दूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कहता है आई एक्स इज इक्वल टू दी आई एक्स प्लस एक्स वाई। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दोनों सिमेट्रिक है, रिंग भी सिमेट्रिक है, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ आई के, तो राइट हैंड साइड मिलेगा मुझे 2i। सेंट्रल एक्सिस से तो अभी अभी फाइंड किया एम आर स्क्वायर, सो आई इज इक्वल टू दी हाफ एम आर स्क्वायर। यानी कि अगर आप डायामीटर के अक्रॉस जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका? आधा हो जाएगा। बढ़ते हैं अब ऐसी रिंग जिसको विथ है, ठीक है, जिसको विथ है, ठीक है। अगर विथ है तो देखो फिर वही फॉर्मूला लगेगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो यहां पर हमने यही फॉर्मूला यूज की, तो चाहे रिंग हो
चाहे सिलेंडर हो, अगर उसको विड्थ है तो यही फॉर्मूला लगेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है, क्यों ना फिर डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से स्टार्ट करें, एक ही ये जनरल फॉर्मूला बना दें, एक ही जनरल फॉर्मूला। इसी जनरल फॉर्मूला से हम चार केसेस डिराइव कर सकते हैं। एक होगा रिंग जिसको विड्थ नहीं है, एक होगा सिलेंडर जिसको विड्थ नहीं है, एक होगा रिंग जिसको विड्थ है और सिलेंडर जिसको विड्थ है। तो देखो इसी एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूलास हमारी डिराइव हो सकती हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर मैं इस फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करूँगा। बाकी आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर रट्टा ईजी लग रहा है तो भले आप प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैसी बात नहीं है। बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्क की, ठीक है। अब डिस्क और सिलेंडर क्या है? अब रिंग मतलब एक हॉलो सर्कल, उसी को अगर मैं फिल कर दूं तो वही हो जाएगा डिस्क। तो जैसे रिंग पूरा बना रहा था सिलेंडर, ठीक है, उसी तरीके से डिस्क भी तो वही काम करेगा। डिस्क, ये भी एक डिस्क है, नीचे एक रख दो ये भी एक डिस्क है, बीच में एक डिस्क, यानी कि सॉलिड सिलेंडर क्या हो गया? पूरा का पूरा डिस्क का ही समूह हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म डिस्क पे लगेंगे वही सॉलिड सिलेंडर पे लगेंगे। यहां पर क्या हो जाता है, इसको मैंने कहा है इमोशनल डूड। देखो जो भी, इसको आप कंसिडर करो एज ए फीलिंग्स, ठीक है। इसको कैसे कंसिडर करो? एज ए फीलिंग्स। देखो ये लोग खोखले थे सबके सब, ये भी खोखला है, ठीक है, ये भी खोखला है, ये भी खोखला है, ये लोग सब खोखले लोग हैं, ठीक है। बट इसके पास बहुत सारे इमोशंस हैं, इसके पास बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो बिकॉज इसके पास फीलिंग्स हैं, इमोशनल है, आजकल इमोशनल लोगों का ज़माना नहीं है, तो क्योंकि इमोशंस हैं इसके पास तो इसकी एफिशिएंसी है समझो हाफ। तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। बिकॉज इमोशंस है, आजकल इमोशंस की केयर बहुत कम लोग करते हैं। ओके, सो दिस इज माय वे, मैंने ऐसे याद किया था, बाकी अभी फिलोसॉफी थोड़ी आ जाती है लाइफ की किसी भी चीज़ में। ओके, सो इमोशनल डूड है, फिल्ड है, फिल्ड विथ इमोशंस। ओके, फिल्ड विथ इमोशंस, ये लोग धक्का ही खाते हैं यूजुअली। ओके, बढ़ते हैं आगे। अभी यूनिफॉर्म डिस्क, वही डिस्क का मुझे कैसे फाइंड करना है? अभी उसके डायामीटर के अक्रॉस, तो वापस वही लॉजिक सेम। ये था अक्रॉस द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस के अक्रॉस था, ये है अभी पूरा डायामीटर के अक्रॉस, वही लॉजिक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों सिमेट्रिक है, ये है खुद हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय फोर। ओके, थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर, ठीक है, थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर मतलब एक स्फीयर है, ये यहाँ पर 2D बनाया है। स्फीयर कभी भी 3D होता है, तो उसको 2D में हम नहीं दिखा सकते हैं। स्फीयर है ये भले, ठीक है, बट कैसा है ये? एक 2D मैंने बनाया है, 3D बट कैसा है? हॉलो है। अच्छा, हॉलो है मतलब क्या? इसको आप कंसिडर कर सकते हो, इसको चर्बी समझो नहीं है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। अगर चर्बी नहीं है तो फिर समझो तीन हिस्से अगर मुझे कंसिडर करने हो, क्योंकि देखो स्फीयर में आप डिवाइड में हमेशा क्या करते हो, अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी कैलकुलेट करो, देखो हमेशा नीचे 4/3 आता है, ठीक है। तो इसको चर्बी नहीं है, अगर इसको चर्बी नहीं है, फैट्स नहीं है, तो ये फिट होगा, बट क्या आइडियली फिट होगा? नहीं, आइडियल फिट नहीं होगा, थोड़े बहुत तो कमजोरी सब में होती है। सो 2/3 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर तो हर जगह आपको मिलेगा ही, बिकॉज वही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वेज हैं सबके कुछ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा बेस्ट वेज हैं एकदम, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने ऐसे ऐसे लॉजिक से याद किया था कि हॉलो है मतलब मोटापा नहीं है, मोटापा नहीं है तो इसकी फिटनेस लेवल है 2/3, क्योंकि आइडियली फिट तो कोई भी नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। बढ़ते हैं आगे, सॉलिड स्फीयर मतलब अब ये मोटा भी है, इसमें चर्बी भी है। अगर चर्बी भी है तो फिर क्या हो जाएगा? चर्बी है, मोटा भी है, तो विटामिन्स भी कम होंगे, विटामिन्स कम होंगे तो देखो यहाँ पर ये बेसिकली ये वही है, बाकी यहाँ पर आ गया 5, मतलब फिटनेस वही है बट इसकी बॉडी डायमेंशंस बढ़ गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5। सॉलिड यानी कि हो गया चर्बी वाला स्फीयर, इसमें फैट्स ज़्यादा हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ भी देखो 2/5 है, जो कि बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 2/3। ओके, ये फॉर्मूला का इतना यूज नहीं है, आप सेफली इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल है, अगेन यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल, तो हॉलो नहीं कहा है तो ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं 2/3, तो हम ये चर्बी वाली यूज करेंगे, तो 2/5 m, बट अगेन वही लॉजिक, यहाँ पर R2 R1 सब देखना पड़ेगा, इनर और आउटर रेडियस, तो R2 R1 ऊपर भी नीचे भी, बट इनके पावर्स देखो अलग हैं,
अभी पावर्स के लिए कैसा लॉजिक यूज किया है, तभी शायद मैं तारक मेहता देखता था उस टाइम पे बहुत, अभी भी देखता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी इसमें से देखो पांच लोग हैं, टप्पू सेना में गोगी गोली टप्पू सोनू पिंकू, तो ऊपर पांचों को ले लो ठीक है। उसमें से फिट कौन कौन है, तो देखो पिंकू, या फिर आप ऐसे देख सकते हो मेन कैरेक्टर कौन कौन है। देखो पिंकू तो मेन कैरेक्टर नहीं है, आज तक समझ में नहीं आ रहा है किसका बेटा है वो, राइट। मतलब अफवाहें तो ऐसे हैं बबीता जी और जेठिया के बारे में, बट ठीक है ठीक है। पिंकू फिट नहीं है, गोगी तो किसी भी एंगल से फिट नहीं है, तो फिट पर्सनैलिटीज कौन है, तो गोली फिट नहीं है, गोगी फिर भी फिट है। सो फिट पर्सनैलिटीज कौन है, सो गोगी टप्पू और सोनू। तो कितनी है, तीन फिट पर्सनैलिटीज है, तो नीचे आ जाएगा तीन। बहुत बहुत गंदे वेज हैं ये सब फॉर्मूला याद करने के, बट मुझे इन वेज से आज तक याद है तो उस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ। फाइनली अगर हम लेंथ के अक्रॉस देखें तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स हैं, और अगर आपको कार्बन का डेफिनेशन याद हो तो देखो वहाँ पर कुछ वही होता है 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम केमिस्ट्री में। सो बेसिकली यहाँ पर वही आ जाएगा हाफ 1/12 ml का स्क्वायर। उसी को अगर आप यहाँ से कर दो तो हो जाएगा 1/3 mr स्क्वायर। ईजी है, इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं लगती हैं याद करने में। प्लेट की अगर बात करें तो प्लेट क्या है, ये पहले सिर्फ मेरे पास ऐसे था तो इसका था 1/12 ml स्क्वायर था बरोबर। अब इसी प्लेट को यहाँ भी एक्सटेंड कर दिया, यहाँ भी एक्सटेंड कर दिया, हर जगह से एक्सटेंड कर दिया। तो बेसिकली पहले सिर्फ लेंथ थी, अभी लेंथ के साथ ब्रेथ भी है, तो जो मेरा हाफ ml स्क्वायर था वो अभी क्या हो गया, वो हो गया हाफ ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नथिंग न्यू ठीक है, उसी का एक्सटेंशन। फाइनली राइट सर्कुलर कोन, सो 3/10। किसी का बर्थडे अगर हो, जैसे मेरा बर्थडे आता है 3rd December को, तो बेसिकली दिसंबर, हाँ सही लॉजिक नहीं है बट 10 नंबर से भी मेरा एक अलग वास्ता है, तो ऐसे आप किसी बर्थ डेट के फॉर्म में याद कर सकते हो कि 3/10 mr square हर जगह आने ही वाला है वैसे भी। और फाइनली यूनिफॉर्म हॉलो, हॉलो है मतलब क्या, हॉलो है मतलब इमोशंस, अच्छा इसमें वो लॉजिक नहीं है, सो सिंपल हाफ mr square ही आप याद कर सकते हैं। इसका मुझे ट्रिक याद थी बट हाल फिलहाल कैसे थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस वजह से ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर सकते। सो दैट्स इट, इस तरीके से हमारी सारी फार्मूलाज ख़त्म होती हैं। सबके खुद के वेज हैं, ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले की पांच से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली अगर कंक्लूड करें हम, सो रिंग का क्या होता है, रिंग का होता है mr square, सेम होता है हॉलो रिंग का भी और सेम होता है हॉलो सिलेंडर का भी mr square। तो ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डेरिवेशन आएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो डायमीटर के अक्रॉस मिल जाएगा, और अगर हमें एन्यूलर रिंग है तो ये है हमारा कंक्लूसिव फॉर्मूला। डिस्क का भी वही हाफ mr square, क्योंकि इमोशनल लूड है, इमोशनल लूड की वैल्यू नहीं होती है, आधी वैल्यू हो जाती है। अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएं तो वैल्यू उसकी और आधी हो जाएगी, यानी कि mr square by 4। यहाँ पर आप कुछ ऐसे फैटनेस से कंपेयर कर सकते हो कि हॉलो है, हॉलो मतलब फिट है, चर्बी नहीं है, चर्बी नहीं है तो समझो तीन में से मुझे रेटिंग करनी है तो 2 star out of 3, क्योंकि कोई भी आइडियली फिट तो नहीं होता है। आइडियली फिट का मतलब क्या होगा, 3/3, वो तो 1 हो जाएगा ना, तो उसमें थोड़ी कुछ सेंस है। तो जो नियरेस्ट वैल्यू हम दे सकें 3 के बाद तो वो है 2। एंड यहाँ पर मोटा हो गया क्योंकि यहाँ पर ये फिल्ड होगा, हॉलो नहीं है, ये फिल्ड है, तो बेसिकली फिटनेस लेवल गई, अभी इसके अंदर पूरी चर्बी आ गई, चर्बी आ गई तो पहले जो 2/3 था अभी चर्बी आ गई तो उसका वजन बढ़ गया तो हो जाएगा 2/5। अभी फिटनेस के गुण सिर्फ 2 हैं, वो भी 5 में से। यहाँ पर ये टप्पू सेना का लॉजिक, 3 जने फिट हैं वो नीचे, एंड टोटल टप्पू सेना के नंबर ऊपर 5, ml square by 12 कार्बन कार्बन से कंपेयर करके 1/3। यहाँ पर इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी का एक्सटेंशन है इसी फार्मूला का। सो दैट्स इट, इसी तरीके से यहाँ पर हमारी सारी फार्मूलाज खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको शेयर करने में शर्माए नहीं ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऐसे ही सारी फार्मूलाज अपलोड धीरे धीरे होती चली जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी।